शाहरुख खान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस शो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ शाहरुख साहब को, जिनको हम शाहरुख कहते हैं, मेरे से 8 साल बड़े हैं उम्र में, लेकिन फिर भी शाहरुख जो तुम हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म स्टार्स से कहीं ज्यादा बड़े तुम हो। हाउ मच यू रिलेट योरसेल्फ टू शाहरुख खान? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लड़का है, ये मेरा दोस्त हो सकता था। अपनी मम्मी को देखो कितना प्यार करता है, पापा को भी इतना प्यार करता है, जब भी कभी कोई बात होती है तो हमेशा थैंक्स करता है। प्यारा लड़का है, स्वीट लड़का है यार, संस्कारी लड़का है, बहुत ही ग्राउंडेड है यार, बहुत ही ग्राउंडेड है। शाहरुख हमेशा ये बोलता है, अपने इंटरव्यूज में हमेशा बोले हैं वो, कि मेरे पास बहुत गुड लक है, पेरेंट्स का बहुत आशीर्वाद है। जब से भी वो आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हमेशा जब भी मैंने कभी उनका इंटरव्यू देखा तो वो हमेशा बोलेंगे, जब कोई अवार्ड मिलेगा तो बोलेंगे कि यार वो ऊपर कोई बैठा मेरे से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ बाप को बहुत माना है, और हमेशा बोलते हैं। तो अगर हम रोमांस की बात करें जी, फ्रॉम शाहरुख खान टू रणवीर सिंह जी, क्या चेंजेस देखते हो आप? शाहरुख खान टू रणवीर सिंह चेंजेस तो ऐसा हो गया है कि मूवीज के अंदर ऐसा लगता है कि हीरो जो है ना बहुत अमीर हो गया है उसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले आ गए हैं, बहुत गाड़ियां आ गए, अदरवाइज तो देखिए जो इम्प्रेशन, जो एक्सप्रेशन है प्यार का, एग्जैक्टली वही है। 90s में व्हेन दिलवाले दुल्हनिया वाज रिलीज, मैं बता दूं हर जवान लड़की की माँ ये चाहती थी कि मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए, शाहरुख जैसा होना चाहिए। ये किताब जो तमन्ना है, ये किताब एक ऐसी किताब है जो बहुत सच्चाई से आई है, जो बहुत ईमानदारी से आई है, बहुत ऑनेस्टी से आई है, और ये प्यार के बारे में बताती है। मैं सच बता रहा हूं, आप ये किताब पढ़ेंगे तमन्ना ट्रू स्टोरी ऑफ फॉरबिडन लव, तो आपको पता लग जाएगा कि प्यार एक चीज होती है, प्यार एक इमोशन होता है, प्यार एक ऐसे सूरज की तरह होता है जो हमेशा चमकता रहता है, प्यार एक ऐसे दिल की तरह होता है जो हमेशा धड़कता रहता है, प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, प्यार कभी बासी नहीं होता, प्यार कभी पुराना नहीं होता, प्यार हमेशा ताजा रहता है। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। व्यूअर्स आप कह रहे हो कि आज मैं गाना क्यों गा रहा हूं? भाई आज का शो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं शाहरुख खान को। ये शो एक मैसेज है शाहरुख खान को। 90s किड, 80s किड जो हम लोग हैं, हमारे दिमाग में रोमांस की जो एक परिकल्पना, जो एक छवि बनी हुई है ना, वो एक शाहरुख खान ने बनाई है, शाहरुख खान की मूवीज ने बनाई है। अगर आप बुक्स का दौर देखें तो जहां 2000 के पहले या 90s के पहले जो किताबें आती थी उनमें रोमांस डिफरेंट था, लेकिन शाहरुख खान की मूवीज के बाद एक रोमांस में चेंज आया। हर ऑथर रोमांस लिख रहा है, सबसे ज्यादा सेलिंग नॉवेल्स कौन सी होती हैं? रोमांस होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबके पीछे शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा हाथ है, और आज के इस एपिसोड में हम तेजेश्वर जी के साथ बैठ के ना यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। तेजेश्वर जी, वेलकम बैक टू आवर शो, क्योंकि आज हमारा दूसरा राउंड है। यस, बिल्कुल। टुडे इज वेरी स्पेशल, क्योंकि हम आज शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं। यस, तो पहला क्वेश्चन, हाउ बिग फैन यू आर ऑफ शाहरुख खान? शाहरुख खान किरण, देखिए शाहरुख खान का फैन क्या कहें, मतलब हम तो शाहरुख खान के साथ चले। मैं जब ये शाहरुख की मूवी आई, फर्स्ट मूवी आई 92 में, उससे पहले इनके फौजी सीरियल आया 1989 में, फिर सर्कस आया उसी समय 1990 में, और जब मूवीज आनी शुरू हुई तो हमने रियलाइज़ किया, मेरी जनरेशन जो थी, जो 90s की जनरेशन थी, जिन्होंने एक बहुत ही एक अलग हिंदुस्तान देखा, तो मतलब हम ये सोचते थे कि ये लड़का यार हम में से कोई है क्या, यार पिछली गली में रहता है, ये तो मेरे दोस्त जैसा लग रहा है, मेरे जैसा भी लग रहा है, कुछ कुछ मेरे जैसी हरकतें भी कर रहा है। तो बड़े छोटे नहीं होते फैन, मतलब कि बस उसके साथ चले हैं, शाहरुख के साथ चले हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मतलब अगर बड़े छोटे में बात करें तो हाँ, आज तक मैं, जब से भी शाहरुख खान है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं हर एक साल की शाहरुख की फिल्म्स को बाय ईयर बता सकता हूँ, और किस साल में शाहरुख की एग्जैक्टली कैसी शक्ल थी, उसका कैसा हेयर स्टाइल था, मैं वो बता सकता हूँ। टेस्ट करें आज? बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल, मैं मूवी का नाम लूंगा। एग्जैक्टली, आप बताना किस ईयर में? ओह यस, डर। डर 93, दिसंबर 93। तो टफ वाला पूछता हूं, प्लीज। आर्मी? आर्मी 1996, श्रीदेवी। आप रियली बिग फैन? मुझे याद है शाहरुख खान की मूवी आई थी कुछ कुछ होता है जी,
I think I was in 10th class at that time. Okay, 98. That was 98. No, not then. I was not in 10th class. मैंने वो था मेरा gap year था. Okay. For I was preparing for my engineering. Okay. तो मुझे याद है ना मतलब मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बैठा था कि मतलब पापा ने कहा था देखो तुम्हें इंजीनियरिंग तैयारी करनी है पिक्चरों से दूर रहना है. जी. तो मतलब मुझे बहुत मन था कि यार ना मैं हॉल में देख के आ जाऊँ बट वो एक लौती ऐसी शाहरुख खान की मूवी है जो मैंने हॉल में नहीं देखी जस्ट बिकॉज की प्रिपरेशन कर रहा था. और मुझे अभी भी याद है कि ना इतना मतलब ऐसा लगा था जैसे कि यार 3 घंटे के लिए तो चला जाऊँ यार 3 घंटे के लिए तो चला जाऊँ पर आई मिस इट मतलब मैंने वो हॉल में नहीं देखी बट आई अडोर दैट मैं कल भी देख रहा था एंड आई वाज स्टिल क्राइंग. एक्चुअली क्या है कि ये जो बातचीत हमारी हो रही है जो हम कर रहे हैं बातचीत इसके पीछे एक ना बहुत बड़ा कारण है मुझे शाहरुख क्या और बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं जो हम क्योंकि देखिए जो हिंदुस्तान है हम तो कला का देश है फिल्मों का देश है हमारे पेरेंट्स हो गए उसके पहले की जनरेशन हो गई दादा दादी नाना नानी पर नाना नानी जब से भी फिल्म आई हैं और पहले से भी हम लोग ना थोड़ा कला वाले लोग हैं हर चीज़ के अंदर तो हम हमेशा हर चीज़ को इनसे एसोसिएट करके रखते हैं फिल्म से एसोसिएट करके रखते हैं. तो शाहरुख की जो बात है मतलब आज जो मैं आपके साथ बैठा हूँ जो मुलाकात हुई जो मैंने पहले भी आपसे बात करी पेशकश करी कि हम बातचीत करेंगे एक शो करना चाहता हूँ मैं ऐसा क्योंकि शायद 2020 अगर नहीं आता तो मैं ऐसा नहीं सोचता. 2020 जब आया तो कोविड आ गया कोविड में बहुत सारी चीज़ें हो गई तो ये मैं बात इस शो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ शाहरुख साहब को जिनको हम शाहरुख कहते हैं मेरे से 8 साल बड़े हैं उम्र में लेकिन फिर भी शाहरुख जो तुम हो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म स्टार से कहीं ज़्यादा बड़े तुम हो. और ये मैं आज इस शो में हिमांशु भाई के साथ ये बात बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. तुम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बने कैसे कैसे हमने तुम्हारे साथ जीवन जिया हर साल जिया कैसे 2020 आया कैसे हम सारी चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व होते गए जो ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए 2020 के बाद कोविड आया और ये शाहरुख कहाँ से बीच में आ गया शाहरुख कहाँ से ये कितना बड़ा फिनोमेना बन के आ गया मैं उसका एक थोड़ा सा आपको एक रूपरेखा बताना चाहता हूँ कि ये फैन तो है ही है आप भी फैन है मैं भी फैन हूँ आप थोड़े से छोटे होंगे मुझसे उम्र में ज़रा छोटे होंगे लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान आमिर खान अक्षय कुमार उससे भी पहले के बहुत बड़े बड़े हीरोज. देखिए 2020 जब आया तो हमें बहुत नुकसान हुआ फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली हर तरह से जैसे हुआ लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दुनिया के इतने बड़े तबके की बात नहीं करता जो दुनिया में 30-40% ऐसे लोग होंगे जिनके काम धंधे बंद हो गए जिनको बीमारियां हो गई जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए. तो जब 2020 आया तो मेरी जो कंपेनियन है वो साइकोलॉजिकली बीमार हो गई बहुत ही बुरी तरह से और हमारा वेल सेटल्ड बिजनेस थे 3 बिजनेसेस थे हमारे वो जब लॉकडाउन लगा तो विद इन 1 or 2 months सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई सब कुछ पानी हो गया हम एक बिल्कुल एक डिप्रेशन में चले गए और जो मेरी कंपेनियन है वो ठीक नहीं हो पा रही थी और ज़्यादा तकलीफ. उस दौर में हमने एक ऐसा टाइम देखा जब नेगेटिविटी हर तरफ फैल गई और यकीन मानिए जो हिंदुस्तान हमने देखा 90s में या 80s में मैं 70s बॉर्न हूँ 80s में मैं टीनेजर था तो 90s का जो दौर था वो एक हिंदुस्तान बिल्कुल अलग था बनस्पत जो आज हिंदुस्तान है. हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि नफरतें और ज़्यादा नफरत बढ़ती जा रही है. पहले हमारे पास व्हाट्सएप नहीं होता था पहले हमारे पास फेसबुक नहीं होता था फिर भी ऐसा लगता था चीज़ें कंट्रोल्ड हैं. तो अभी एक ऐसा दौर देखा जहाँ पर इतनी नफरतें और हम आम इंसान हैं हम क्या कर सकते हैं भाई हम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं टूट रहे हैं गिर रहे हैं परेशान हो रहे हैं घर में तकलीफ है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बीमार हो रहे हैं फिजिकली भी बीमार हो रहे हैं हमारे कई लोग जो थे वो दुनिया छोड़ के भी चले गए कोविड में. तो एक ऐसा टूटा हुआ माहौल देखा उस टाइम पर एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ गया जहाँ पर ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है अब आगे बढ़ना क्यों क्योंकि इतनी नफरतें हर तरफ से चल रही हैं जो कि मतलब ऐसा दौर कभी देखा नहीं था जहाँ पर एक आम इंसान आपस में एंगेज हो रहे हैं नफरतों फिल्मों के अगेंस्ट जा रहे हैं जो लोग हैं वो बॉयकॉट ट्रेंड हो गया है हर चीज़ का. अरे वो हद होती जा रही है मतलब जो इंसान है वो इंसान ना होकर के वो रिलीजन बन गया हर इंसान एक धर्म है. मैं तेजेश्वर सिंह हूँ तो मैं एक हिंदू हूँ मैं एक बॉर्न राजपूत हूँ तुम सिद्दीकी हो तो तुम बॉर्न तुम मुस्लिम हो तुम जोगिंदर हो तो तुम सिख हो तुम ईसाई हो तुम ज्यू हो तुम बौद्ध हो तुम क्या है ये सब कुछ ऐसा तो नहीं था कभी भी. और मैंने देखा कि सोसाइटी में पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज में ये फंडामेंटलिज्म है वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे. तो एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ गया हिमांशु जहाँ पे मुझे लगा कि यार बहुत मुश्किल हो गया मतलब हम हार रहे हैं हमारी जनरेशन हार गई
मैं मतलब 90s में 20s में था उस समय, क्या फायदा हुआ, हम 50-50 साल के हो गए, हम क्या दे रहे हैं बच्चों को। उस दौरान शाहरुख की मूवी आई। ऐसा नहीं है कि शाहरुख के अलावा हमें कोई फिल्म स्टार पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए आज भी बैठे, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हुए, कमी नहीं है टैलेंट की बिल्कुल भी। लेकिन जब शाहरुख खान की मूवी आई तो उससे पहले एक बॉइलिंग पॉइंट आ गया था कि हद हो गई है। जरूरी नहीं है कि मतलब कोई खास प्रेम होगा शाहरुख से या किसी से नहीं होगा। शाहरुख की जब मूवी आई तो मुझे लगा कि नहीं, हम हार नहीं की बात कर रहे हैं। पठान जब जनवरी में अभी रिलीज हुई 2023 में, तो ऐसा लगा कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब हम हार नहीं सकते, तो हम हार रहे हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं, कौन से साए हैं, वो कौन सी ऐसी परछाइयां हैं जो डरा रही हैं लोगों को बैठ करके, मतलब लोगों को लोगों से लड़ा रही हैं। मैं पठान देखने गया, फैमिली के साथ गया, मैं एक रिवेंज के तौर पे देखा, मुझे लगा हम हार नहीं सकते। और उससे पहले कई दिन तक मैं ये प्रे करता रहा, उस समय किसी की भी मूवी आती, शायद अजय देवगन की आती या किसी और की आती, हम शायद यही मैं सोच रहा था कि नाउ इट इज माई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, शायद मेरा उस समय 100 डिग्री हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मूवी देखने जाना है। क्यों? क्योंकि शाहरुख तुम हार नहीं सकते। शाहरुख भी बटा हुआ था, कार्ड लगा रखा है सबके ऊपर, रिलीजन कार्ड नहीं, तुम एक एक्टर हो, हमने तुम्हें एक्टर देखा है हमेशा, और हम भी हार नहीं सकते। हम कर क्या रहे हैं, इस घर घर के अंदर नफरत बढ़ गई है। हम व्हाट्सएप देखते हैं तो कॉलोनी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर ऐसे गंदे गंदे वाहियात मैसेजेस भेज रहे हैं लोग आपस में, और मैं ही सोचता हूँ कि ये लोग रात को सोएंगे कैसे इस तरह की नफरतें बांट करके। तो जब मूवी आई, मैंने देखा कि वहां पे भीड़ लगी हुई है, बहुत अच्छे से लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं देख करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर और वट एवर इट वॉज, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और उसके बाद रिपीटेड रिपोर्ट्स आती रही कि पठान हिट, पठान मूवी कैसी थी, मैं ये नहीं कहना चाहता बहुत ग्रेट मूवी थी, पठान जैसे शाहरुख खान की इतनी अच्छी मूवीज देखी है, बहुत अच्छी उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन पठान को चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि स्पिरिट ऑफ इंडिया को चलना जरूरी था। शाहरुख एक हिंदुस्तानी है, एक भारतीय है, यहाँ की मट्टी का पैदा हुआ एक बच्चा है, और हम जिस तरह से चल रहे हैं, अगर हम ये चलता रहेगा तो हम 10 साल के बाद हमारी जनरेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी कहीं पर। तो जीतना बहुत जरूरी है, एक ख्याल आया बस मन के अंदर, और वहां से ऐसा लगा कि मुझे भी खड़ा हो जाना चाहिए। मैं 4 साल के कोमा के बाद खड़ा हो रहा हूँ, मेरे कंपेनियन है बीमार हो गए थे पूरी तरह, वो साइकोलॉजिकल इलनेस हो गई कोविड के वजह से, और धीरे धीरे खड़ी हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी खड़ा होना चाहिए। तो मन में ऐसा आया ख्याल कि शाहरुख देखो, शाहरुख को कितना गुड लक है। शाहरुख हमेशा ये बोलता है, अपने इंटरव्यूज में हमेशा बोले हैं वो कि मेरे पास बहुत गुड लक है, पेरेंट्स का बहुत आशीर्वाद है। जब से भी वो आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हमेशा जब भी मैंने कभी उनका इंटरव्यू देखा तो वो हमेशा बोलेंगे, जब कोई अवार्ड मिलेगा तो बोलेंगे कि यार वो ऊपर कोई बैठा मेरे से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ बाप को बहुत माना है, और हमेशा बोलते हैं। मुझे शाहरुख खान की एक लाइन ना बहुत मोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा। उनका एक इंटरव्यू है जहाँ वो कहते हैं कि यार मत सो, मत खाना खाओ, मत ये करो, मत वो करो, मतलब क्या जरूरत है रेस्ट करने की, क्या जरूरत है, ये एज है आपकी, आप जितना चाहे उतना काम करो, और अपने काम से भागो मत। एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को याद नहीं, बट दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे इन दैट मैसेज, यार जितना हो सके उतनी मेहनत करो जी, बिल्कुल दैट टाइम, बिल्कुल। तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ ना, मतलब की जैसे आप देख रहे हो आदम, वीकेंड में बैठे हुए, मैं कल ऑफिस भी जाऊंगा जी, रात को बैठ के स्क्रिप्टिंग भी करूंगा, राइटिंग भी करूंगा, मेरे को ना वो लाइन बहुत मोटिवेट करती है। वो इसी वजह से देखो, जब भी कभी कोई इंटरव्यूज मैं तो हमेशा देता था, पहले वो एक लहरे वीडियो मैगजीन आती थी 80s में, 90s में भी आई है वो, तो उसमें मैंने देखा शाहरुख का पहला इंटरव्यू देखा, आई थिंक दैट इंटरव्यू वाज ऑफ 1992, जिसमें उन्होंने घर खरीदा बड़ा साधारण सा, और वो बता रहे हैं कि यार वॉशिंग मशीन लिया अभी तो, टीवी लिया अभी तो और चीज़ें करना है, बहुत करने का मन है, चीज़ें करने का मन है। और ऐसे उनके बारे में जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग बोलते थे हमेशा, सारे हीरोइंस एक्टर्स जो फेलो एक्टर्स थे वो बोलते थे कि यार ही इज़ अ वर्किंग मशीन, और इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर है, इतना बढ़िया कैंडिड सेंस ऑफ ह्यूमर है, एंड ही इज़ लाइक ऑलवेज ऑन द रन, जैसे अभी वो दिस एक्टर रणवीर सिंह के बारे में बोलते कि ही इज नेवर टायर्ड, तो ऐसा मैंने शाहरुख के बारे में देखा हमेशा। तो अभी जब कोविड आया ना, तो मुझे लगा कि मुझे भी खड़ा होना, मैं एक राइटर हूँ, बिजनेसेस सारे चौपट हो गए, जैसे दुनिया भर में पता नहीं कितने हुए होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बात ही नहीं करना चाहता कि क्या हालत हो गई है लोगों की इस समय। तो मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए, और मेरे अंदर एक कनेक्शन बन गया शाहरुख खान वापस, जो हमेशा से था। इनफैक्ट 2016-17 के दौरान बीच में माई कंपेनियन शी सेड कि यू टॉक सो मच अबाउट एक्टर्स, उनके बारे में, मतलब कि इस साल में इसकी ये शक्ल लगती थी, उसकी वो शक्ल लगती थी, उसका हेयर स्टाइल ऐसा था, ईयर वाइज आपको याद रहता है, सो वाई नॉट राइट अ बुक ऑन शाहरुख खान।
मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ, लेकिन उसी साल फिर मेरी मॉम का मुझे पता लगा कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम टू इनक्योरेबल इलनेसेस 2016 में ही, तो सारा का सारा अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो गया और दो साल ढाई साल उनके साथ कैसे बीते पता ही नहीं लगा. एंड फिर अब 2020 जैसे आया तो शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और 2020 में ही द मोमेंट शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड उसके 1.5 महीने बाद ही माई कंपेनियनशिप है. तो अब जब खड़ी हुई तो लगा कि अपना राइटिंग करियर जो है उसको दोबारा रिवाइव किया जाए, और राइटिंग करियर में मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, एक सेल्फिश मोटिव था कि मेरी किताब एक रिलीज हुई थी, सेकंड बुक मेरी रिलीज हुई थी तमन्ना, अ ट्रू स्टोरी ऑफ फॉरबिडन लव. यहाँ लगी हुई एग्जैक्टली. तो दिस बुक वॉज रिलीज इन इंग्लिश फर्स्ट इन 2014 और सेल्स बहुत अच्छी रही इसकी. तो हिंदी में रिलीज हुई तमन्ना, ये एक बड़ी प्यारी सी लड़की है चांदनी माथुर, उसने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में. तो मेरे मन में हमेशा था कि ये किताब जो है इसका अगर कभी ये किताब अडेप्ट हुई है एज अ मूवी तो कौन रोल कर सकता है, शाहरुख का दिमाग था. बिकॉज ये किताब एक्चुअली रिलीज तो 2014 में हुई, लिखनी मैंने शुरू करी थी 2007. तो 2007 में शाहरुख खान वॉज मच यंगर इन एज, 2007 में ओम शांति ओम रिलीज हुई थी. तो उस टाइम पे दो मूवीज रिलीज हुई थी 2007 में, एक तो ये रिलीज हुई थी और देन दैट मूवी द फुटबॉल द हॉकी मूवी चक दे मूवी रिलीज हुई उस साल. तो मुझे था कि शाहरुख इज द ओनली पर्सन जो इस तरह की कहानी को जस्टिस दे सकते हैं. फिर वो बात आई गई हो गई, किताब रिलीज हुई, मैं भी आगे बढ़ गया, 2020 आया. तब जो 2020 आके गया 2024 आ गया, तो अब ऐसा लगता है कि इतना डीप कनेक्शन मेरा कहीं शाहरुख के साथ बना हुआ है कि क्यों 90s में मैंने पसंद किया होगा उसको, किस लिए पसंद किया होगा, ऐसा क्या कनेक्शन बन गया. इज अ मूवी स्टार, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो आम लोग हैं, हम तो टिकट देख करके मूवी देखने जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं कोई हम स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लेते हैं किसी ना किसी के साथ अपना. तो ये बस इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपकी आपकी बुक आई थी 2006 में, फर्स्ट बुक आई थी 2009 में, 2009 जी, सेकंड वाली 2014 उसके बाद से आपकी बुक अब आ रही है. हाँ जी, तो इट्स अ बिग गैप जी, जैसे कि शाहरुख खान के साथ भी हुआ, उन्होंने बीच में 3-4 साल शायद काम नहीं किया जी, देन ही रिवाइव्ड. राइट, वो कहीं कहीं इंस्पिरेशन है क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने जिस शाहरुख खान को देखा, शाहरुख खान ने 2020 से 2024 तक तो कोई मूवी नहीं आई, लेकिन 2020 से भी पहले एक ऐसा लीन फेज आया कि जो आई थिंक ये मूवी मुझे याद नहीं है, दिस फैन, फैन वाज रिलीज्ड इन 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फैन ऑनवर्ड्स जो है शाहरुख का बहुत लीन फेज आना शुरू हो गया. सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि 2023 जनवरी में जो शाहरुख ने सक्सेस देखी, इट वाज कमिंग आफ्टर अ गैप ऑफ मेनी इयर्स, आई थिंक 6-7 इयर्स. शाहरुख खान की जो सबसे बड़ी फ्लॉप अभी रही थी जीरो, जीरो आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने भी वो मूवी I think 6 months back मैंने देखी, वाइफ नहीं थी तो मैं घर पर अकेला था, मैं कहा चलो क्या करूं, मैंने जीरो लगा and trust me मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, कोई कमी नहीं थी, fantastic acting, funny, मतलब बहुत अच्छी story, I don't know why it flopped. एक्चुअली देखिए समय की बात होती है, बिकॉज जैसे शाहरुख साहब बोलते हैं ना, हर बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलते हैं कि मैंने क्या किया यार, वो शायद एक समय ऐसा था मुझे वो चीज़ करनी थी, मैंने वो चीज़ करी, वो चीज लोगों को पसंद आनी थी, वो चीज लोगों को पसंद आ गई. सो इन दैट वे ही इज अ वेरी हम्बल फेलो, वेरी हम्बल फेलो. और जो जो जिस तरह से हमारा कनेक्शन बना शाहरुख खान के साथ 1993 में जब हम डर देखने गए, 1993 दिसंबर में डर रिलीज हुई, तो जब जिस तरह की परफॉर्मेंस को हमने देखा शाहरुख खान की वहां पे, मुझे लगा, और एक्चुअली क्या होता था, शाहरुख खान ने कोई अलग परफॉर्म नहीं किया, 90s के जो लड़के थे वो इस तरह का बिहेव करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे, शायद आज की डेट में उसको स्टॉकिंग बोलेंगे, ठीक है करते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, ऐसा नहीं कि परेशान करने के लिए करते, लेकिन ऑब्सेशन हो जाता है. तो शाहरुख ने जो करके दिखाया, जो एक इमोशन दिखाया उसके अंदर, एक बैड सा पागलपन का इमोशन दिखाया, वो इमोशन जो है वो लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आया, अंदर तक वो घुस गया उनके. शाहरुख की बाजीगर आई अक्टूबर 1993 में, देन दिसंबर 1993 में डर आई, तो लोगों को लगा कि यार ये लड़का इतना प्यारा, इतना स्वीट सा है, गुस्सा भी हो जाता है वही, परेशान भी हो जाता है, पागल सा भी हो जाता है, सॉफ्ट भी है बहुत ज़्यादा, सोचता भी बहुत ज़्यादा, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कैसा लड़का है? एग्जैक्टली ऐसा लड़का है जो हिंदुस्तान की हर गली में बनता है, और जो मतलब उस समय के हीरोज अगर आप देखो तो बाल बाल अच्छे से सेट करके सब कुछ करके, शाहरुख के बाल क्या बिखरे हुए बाल है बिल्कुल यार, और शकल देख के क्या लग रहा है, बहुत खूबसूरत लड़का नहीं है, लेकिन लड़के में कोई बात है, बहुत मतलब अट्रैक्शन, हाँ सिंपल है. मेरे गली में राजू यार बिल्कुल ऐसा लगता है, वो सुरेश है बिल्कुल ऐसा लगता है, हरीश है बिल्कुल ऐसा लगता है, वो जावेद है बिल्कुल ऐसा लगता है. तो शाहरुख कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन एट दैट टाइम, और सब्सिक्वेंटली जो वो करते चले गए, आगे करते चले गए, तो क्या होता है हिमांशु कि हम एक्टर के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं
कि शाहरुख उस मूवी में ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। किसी मूवी में उन्होंने बहुत मेहनत करी, अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब रिलीज हुई, तो हर लड़का हिंदुस्तान में ये सोचता था मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे इंप्रेस करूंगा यार, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट माई कंपेनियन व्हेन वी मेट इन 1996, शी सेड कि मेरी मॉम के साथ इस तरह से बात करना, इफ मतलब आई डोंट रॉन्ग, आई क्लियरली आई रिमेंबर दिस थिंग, यदि ऐसे करना कि वो मम्मी को ना रोना आ जाए, बिल्कुल जैसे शाहरुख कर रहा है। मैंने कहा ओके ठीक है। जो करवा चौथ है, मतलब ये तो फेमस ही दिल वाले दुल्हनिया से हुआ है, उससे पहले लोग जानते नहीं थे, काफी लोग जानते नहीं थे। एग्जैक्टली, आई कैन टेल यू माय स्टोरी, आई बिलोंग फ्रॉम एमपी, राइट। हमारे घर में करवा चौथ होता भी नहीं था, किसी ने मनाया भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं, राइट। बट व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी वाइफ को था नहीं यार करवा चौथ करना है जी, शाहरुख खान के साथ, शाहरुख खान वाली मूवी में देखा, वो करना है, राइट ये। बट व्हेन शी टॉक टू माय मदर कि यार मम्मी मुझे तो करना है, मम्मी ने कहा नहीं हमारे घर नहीं होता, नहीं करना है, कोई हमारे अच्छा नहीं मानते, हमारे यहाँ मनाया नहीं जाता, तो शी इंसिस्टेड कि मम्मी बताओ कैसे कर सकते हैं, कुछ तो तरीका होगा। कहती है ऐसे तभी पॉसिबल है जैसे हमारे किसी का कोई बर्थ हो जाए, कहती क्यों नहीं होता, होता हमें भी नहीं पता होता, शायद बहुत पहले किसी की डेथ हुई शायद इसलिए नहीं होता है, पर अगर कोई खुशी का टाइम आ जाए तो फिर दोबारा कोई चीज चालू हो सकती है। ही सेड लाइक दैट। Then when my wife conceived, तो मेरा बेबी होने वाला था, मेरा बेटा 15 साल का हो गया, तो वो एग्जैक्टली था करवा चौथ के टाइम का डेट था, एंड इट वाज सी सेक्शन होना था, तो डॉक्टर कहते हैं ना इसका डेट आप चाहो तो प्लान कर सकते हो, सो वी इंटेंशनली प्लान ऑन करवा चौथ, सो दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट, राइट। सो माय सन बॉर्न ऑन द डेट ऑफ करवा चौथ। अच्छा, वंडरफुल, और हमारे मन क्या बात है, क्या बात। नहीं, उस तरह से देखिए मूवीज जो है वो हमारी रियल लाइफ में आ जाती है। मूवीज में हम जो भी करते हैं, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो एक वो सीक्वेंस है जहाँ पे शाहरुख जो है वो काजोल को वो देते हैं, बेल देते हैं, वो जो काओ के गले में घंटी बांधने वाला होता है, तो उस समय के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिया, खरीद खरीद के पता नहीं घंटियां बिकी हैं उस समय, हां बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी घंटियां बिकी हैं, आज भी आरसी में आई अभी बिक रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो हम जोड़ लेते हैं, उस तरह से हम जुड़ जाते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअली जुड़ जाते हैं। और शाहरुख एक ऐसा एक्टर है जो जो वही काम कर रहा है एग्जैक्टली जो एक हिंदुस्तान का लड़का, मतलब जैसे स्पिरिट ऑफ इंडिया, जैसे अभी भी एक एक कॉमेडियन है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान। जाकिर खान को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना हिंदुस्तान के हर गली कूचे का लड़का है जो वो बात करता है। तो शाहरुख ने जो बात करी, जो भी रोल्स शाहरुख ने प्ले किए, हाँ कई बार ऐसा होता है लार्जर देन लाइफ हो गया कई सारी चीजें, लेकिन बाय एंड लार्ज जो उनके कैरेक्टर्स रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जो ग्राउंडेड है, वो वही काम कर रहे हैं जो लड़के कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनके साथ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लार्जर देन लाइफ हीरो है या हीरोइन है, हम आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ग्रेजुअली करते 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 देखिए जब ये 2020 का एपिसोड हुआ और 4 साल हमारा गैप आया लाइफ में और फिर हम पठान देखने के लिए गए, तो मुझे उस दिन जब मैं देख रहा था पठान तो मुझे लगा कि यस वी ऑल कैन विन। हम इतनी नेगेटिविटी में से बाहर निकल रहे हैं। शाहरुख साहब उससे पहले 2-3 दिन पहले की बात है, पठान रिलीज होने से 2-3 दिन पहले ही वेंट टू कोलकाता और वहाँ पे शायद कोई आई डोंट नो फिल्म का क्या था, फिल्म्स मूवीज से रिलेटेड कुछ था, वहाँ पे कोई फंक्शन था क्या था, ही सेड दिस थिंग कि अभी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग बाकी हैं, आप और मैं हैं, समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्टली मैं कोट नहीं कर पा रहा उनको, बट व्हाट ही मेंट कि हिंदुस्तान में अच्छाई बाकी है, आप हैं मैं हूँ हम जैसे बहुत सारे लोग हैं तो अभी अच्छाई बाकी है। तो जब मैं पठान देख रहा था तो मुझे लगा कि ये मूवीज जैसी भी होगी मुझे नहीं पता, आई हैव टू सी दिस, अच्छाई बाकी है, हमें जीतना है। शाहरुख तुम जीतोगे मैं भी जीतूंगा, तुम जीत जाओ मैं भी जीतूंगा। उसके बाद आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूवी जवान, वो बहुत दिन में रिलीज हुई जा करके, लेकिन मुझे लगा कि तुम जीतो मुझे भी जीतना है। हम उस जनरेशन के लोग हैं यार, हमने तुमको देखा है, तुमको देख करके हमने तुमको इमिलेट किया है, तुमको कॉपी किया है हमने हर चीज़ के अंदर। नॉट दैट कि हम ये समझते हैं कि शाहरुख हमारे कोई मेंटर है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम जुड़ जाते हैं, कोई एक दोस्त है हमारा, वो हमारे दोस्त की तरह है, हमारे यू नो साथ रहते हैं, साथ ना रह करके भी साथ रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई हैव टू विन। देन आई पिक्ड अप माई बुक्स अगेन, देन आई स्टार्टेड रिवाइविंग दिस थिंग। दो किताबें अभी पब्लिशिंग में हैं और ये जो किताब है तमन्ना, खास तौर पे ये किताब हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ऐसी रही कि ये मेरी बिल्कुल असली जिंदगी से निकल के आती है। और जिस तरह का रोमांस मैंने देखा लाइफ के अंदर, जिस तरह का शाहरुख ने रोमांस किया, बड़ा साफ सा रोमांस किया, बड़ा सिंपल सा रोमांस किया, इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ, इसीलिए हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, isn't it? हम कोई किसी नेगेटिव चीज़ को हम कॉपी नहीं करते। तो मुझे लगा कि ये जो कहानी है इसमें एक अर्जुन है, एक तमन्ना है, एक संगिनी है, और शादीशुदा है अर्जुन संगिनी के साथ, 8-9 साल उनकी शादी को हो चुके हैं और एक्सीडेंटली कहीं पे एक दिन एक और किसी से मुलाकात हो जाती है, एंड इंसिडेंटली वो लेडी भी शादीशुदा है,
और अर्जुन को वो पसंद आ रही है, अर्जुन अपनी वाइफ संगिनी से बहुत प्यार करता है और बहुत 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 इन्वॉल्व है घर में। अर्जुन की एक बेटी है छोटी सी, संघमित्रा नाम है उसका। और उसके बाद एक अर्जुन की जर्नी है जिसमें वो सोचता है कि मुझे वो लेडी पसंद आ रही है, वो लड़की मुझे पसंद आ रही है, मुझे क्यों पसंद आ रही है, मुझे नहीं पसंद आनी चाहिए, मैं तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इन्वॉल्व हूँ, दिन रात उसके बारे में सोचता हूँ। तो वो सेल्फ चेक, सेल्फ रिप्रिमांड, सेल्फ यू नो टॉकिंग उसका चलता रहता है कि मैं करूं क्या एग्जैक्टली, मुझे क्या करना चाहिए। अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से डिस्कस करता है कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो वो बिजनेस पार्टनर कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो एंजॉयमेंट होगी लाइफ में, तुम्हें तो कोई और भी पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली जब हम ऐसी कोई चीज़ सुनते हैं तो हम यही कहते हैं, फ्रेंड्स आपस में इसी तरह की बात करते हैं, वाओ वंडरफुल यार तुम्हें कोई और भी पसंद आ रहा है। तो वो कहता है नहीं, मुझे, मैं ये नहीं बताना चाहता कि मुझे कोई पसंद आ रहा है, हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। और ऐसे करते 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 अर्जुन को तमन्ना के साथ प्यार होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा प्यार होने लग जाता है। लेकिन वो बेचारा अपनी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता कहीं पर भी, क्योंकि उसे लगता है कि ये गलत है, ये मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, ऐसा क्यों हो रहा है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे अर्जुन के लिए संगिनी और तमन्ना वो दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं और उसे ये विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत ही साफ स्वच्छ सा, बिल्कुल प्यारा सा रोमांस है जिसमें रोमांस है भी नहीं, ना अर्जुन की वो गर्लफ्रेंड है, ना वो कभी उसके लिए कुछ बनेगी, ना वो उसकी लवर है। वो बता पाता है तमन्ना को कि नहीं बता पाता है, पता नहीं, तमन्ना भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है और दोनों के बीच में बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही प्लेटोनिक रोमांस है जो कि हम देखते नहीं है। अब ऐसा हो गया, हर चीज सस्ती हो गई। तो अभी आप समझा रहे हो ना जी, तो मैं वही सोच रहा हूँ, ये तो 80s 90s वाली बात हो गई जहाँ इतना सोच रहा है, समझ रहा है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूंगा तो एक तरफ तमन्ना है, एक तरफ संगनी है, बस लाइट और लेफ्ट स्वैप मारना है, वो दोनों से कैसे चल रहा है। एग्जैक्टली आज की डेट में कल स्वैप स्वाइप भी होता है। एग्जैक्टली लेकिन इसमें आप देखो ना कि इसको जब हम, जब आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग इसीलिए अकेले भी हो रहे हैं, खोखले भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, आइसोलेटेड भी हो रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज को सस्ता बना रहे हैं, हर चीज को। यार पानी की बॉटल पड़ी है, आई लव दिस बॉटल, आई लव दिस बॉटल। यार कोई खाना पड़ा है, आई लव दिस फूड। यार आप खाने से प्यार कैसे कर सकते हो? ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मतलब इन पे हर चीज को सस्ता बना दिया। प्यार एक प्यार हो, प्यार का मतलब प्यार, क्या प्यार दोबारा हो सकता है? क्या बिल्कुल बराबर हो सकता है दो लोगों से? प्यार का मतलब कभी भी फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है वो फेड हो सकती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, इन्फैचुएशन जो है वो फेड हो सकती है, प्यार कभी फेड नहीं हो सकता। प्यार हमेशा सूरज की तरह होता है जो चमकता रहता है, बादल आ गए आपको सूरज नहीं दिख रहा लेकिन सूरज वहीं पर ही। तो वही मेरा ख्याल है और मैं हमेशा सोचता था कि कौन करेगा इस फिल्म को, शाहरुख करेगा। 2007 में जब ये वाकया हो रहा था जिंदगी के अंदर और मैं इसको पेन डाउन कर रहा था तो सोचता था कि शाहरुख करेगा, क्योंकि शाहरुख ने हमेशा इस तरह के रोमांस को प्रोपगेट किया है हमेशा, पूरी 90s की एक जनरेशन, 90s की क्यों कहें, आज भी शाहरुख जो है वो आज की जनरेशन है। माय डॉटर, शी रोट अ कॉलम ऑन शाहरुख खान आफ्टर वाचिंग दिस मूवी डंकी, जो रिलीज हुई अभी दिसंबर में रिलीज हुई अभी। तो डंकी देखी और डंकी में शाहरुख के 90s वाले शेड्स थे। दो, शाहरुख इज लुकिंग मच ओल्डर, इसमें कोई एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है, बिकॉज 30 साल अब आगे आगे शाहरुख भी, लेकिन वी सॉ सम शेड्स ऑफ शाहरुख ऑफ 90s। तो माय डॉटर, शी डेडिकेटेड वन कॉलम, शी हरसेल्फ, शी इज अ राइटर, शी इज डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड शी इज अ राइटर ऑल्सो, एंड शी डेडिकेटेड वन कॉलम ऑन शाहरुख खान की, वो इतनी इंस्पायर्ड है शाहरुख खान से। मुझे लगा कि आज की जनरेशन भी मतलब इतनी इंस्पायर्ड है तो कुछ तो खास होगा इस आदमी में, वो एक लड़का जो 90s में आया था। तो मैंने हमेशा शाहरुख को एनविजेज किया उसके अंदर, हमेशा शाहरुख को एनविजन किया उसके अंदर कि शाहरुख इस तरह के रोल को जस्टिफाई कर सकते हैं जहां पे एक इतना साफ। नॉट ओनली शाहरुख, समवॉट आई एडमायर हिज सन आर्यन एज वेल। वेल, उनको मुझे नहीं पता क्यों एक्टिंग में क्या, आई एम सीइंग दैट, मतलब मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूं व्हाट ही इज डूइंग। जनरली होता है कि यार एक एक्टर का बेटा और एक्टर बन के आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा बहुत राइट, बट ही टुक अ डिफरेंट पाथ, ही इज डायरेक्टिंग अ मूवी। अच्छा, राइट, he has written his own script, jitna main padh paya hu, he has written his own story, own script, okay, he has casted his own, like Shai Bobby Deol ko cast kiya and someone else, and he's directing that movie. So I think he has started his own business of jackets or something, okay, so he has decided his own path. So maybe on a small way, but he is also someone which who can be an inspirational in coming days, what I feel. मुझे ये भी लगता था कि इस किताब को, ये किताब बहुत बिकी, मतलब
जितनी बिकनी चाहिए थी उतनी नहीं बिकी ये किताब, सोल्ड इन फ्यू थाउजेंड्स, 30-35 हज़ार कॉपीज इसकी बिकी, लेकिन मुझे लगता था कि किताब को अभी जस्टिस नहीं मिला। किताब के लिए जो मेल्स आते थे मेरे पास, ईमेल्स बहुत आते थे, तो उन ईमेल्स में होता था कि अर्जुन कौन है एग्जैक्टली, अर्जुन तुम हो क्या, तुम तेजेश्वर सिंह, तुम अर्जुन हो, क्योंकि अर्जुन एक ऐसा सीधा साधा आदमी है, इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इतना ज़्यादा सेल्फ यू नो इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है, आगे नहीं बढ़ रहा, गलत काम करना नहीं चाहता, कोई भी गुस्सा भी आ रहा है उसको, संगनी के साथ वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है अपनी वाइफ के साथ, तमन्ना के बारे में सोचता है, 10 बार सोचता है, 10 बार सोच करके सोचता है कि मैं बताऊँ तमन्ना को कि मैं तुमको, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ, क्या ये प्यार है, और अगर है तो बस तुम्हें इतना बताना, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन बता नहीं पाता वो उसको तमन्ना को। तो ये पूरी की पूरी किताब जो है वो उसकी जर्नी है, जिसमें जैसे हमने कई बार सुना होगा जर्नी थ्रू अ वुमेन्स हार्ट, अ गर्ल्स हार्ट, ये तो हमने लाइन बहुत बार शायद सुनी होगी, जर्नी थ्रू अ गर्ल्स हार्ट, जर्नी थ्रू अ मैन्स हार्ट, दिस बुक इज अ जर्नी थ्रू अ मैन्स हार्ट। तो ये किताब मैं चाहता हूँ कि ये रिवाइव हुई है, तो ये मैसेज कहीं से शाहरुख खान साहब तक पहुँचे, और शाहरुख खान साहब इसको सुने तो देखें और सोचें कि इस किताब को उठा के पढ़ें, क्योंकि मैं शाहरुख खान साहब तक कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं तो उनकी टिकट लेकर के फिल्म हाउस में, मूवी हाउस में जा सकता हूँ, लेकिन शाहरुख खान साहब तक कैसे पहुँचेंगे, बड़ा मुश्किल है पहुँचना जी, इतनी सारी दीवारें हैं बीच में कि कहाँ जाएंगे। तो अगर ये मैसेज उन तक पहुँचे तो मैं बताना चाहता हूँ कि 90s का वो जो लड़का है जो आपसे इंस्पायर्ड है, मेरी पूरी जनरेशन इंस्पायर्ड है, और यकीन मानिए मैंने अभी बहुत दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब से पठान रिलीज हुई 1 साल से, कि वो जनरेशन एक तरह से दोबारा रिवाइव होगी, दोबारा रिवाइव होगी कि नहीं हम हैं, अभी हम हैं, अभी हम हैं, हम अभी इंस्पायर कर सकते हैं, अभी इतना सब कुछ चल रहा है, नेगेटिविटी का माहौल है, पागलपन का सा एक माहौल है, इस माहौल में हम बहुत 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 सैनिटी इन्फ्यूज कर सकते हैं। एक बहाना बन गया कि शाहरुख की मूवी आ गई, चलो शाहरुख की मूवी आ गई, हमने दोबारा देख ली। तो क्या होता है, देखो हम जो लोग हैं नाउ यू नो आई एम इनटू दैट स्टेज जहाँ पे मिडिल एजड हम हो गए, हम इस समय बहुत रिडंडेंट से हो जाते हैं, क्योंकि फैमिलीज हैं, फैमिली को हमने देखना है, काम धंधे को हमने देखना है, तो हम जिसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में कहाँ है, हम वो वाले लोग हैं जो हम इस तरह की बात करते हैं, हमारे टाइम में ना हम शाहरुख खान की मूवी देखना चाहते हैं, ये हमारा टाइम समझ में नहीं आता, हमारा टाइम कौन सा था, यानी हमारा टाइम अभी नहीं। शाहरुख ब्रॉट बैक दैट टाइम अगेन कि हमारा टाइम है, अभी हम रिडंडेंट नहीं है, अभी जो यंगस्टर्स जो है हमें बता नहीं सकते कि बॉस प्लीज तुम तो शायद पता नहीं कौन सी इरा के हो। बट फ्रेंड टेलिंग मी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अनदर रोमांस फ्रॉम शाहरुख, मतलब हु नोस, आज की डेट में भी शाहरुख है क्रॉस 50 है, he's 58 now, he's yeah he's 65 born, so he's 2024 he'll be 59 absolutely, but still I believe I want that, I wish, kyunki koi romantic movie aani chahiye, tamanna kyunki ek na wo image jo unki hai na, matlab I always kya bolna chahiye, I admire that persona, matlab unka wo na wo romance wala jo feel hai na, it always I always admire that. Right. आपकी उम्र कितनी वजह, आप अंदर से बूढ़े कभी नहीं होते, right. तो आप अंदर से बच्चे ही रहते हो, right. तो मैं आज भी अंदर से वो स्कूल वाले टाइम में शाहरुख खान को देखता था, मेरे दिमाग में वही इमेज है, right. जब मैंने पठान देखी या जवान देखी ना, मुझे शाहरुख खान की इमेज बहुत अच्छी नहीं लगी, ये एक्शन मूवी है ना, शाहरुख खान रोमांस में अच्छा, तो मैं तो वैसे ही जाता हूँ। 90s में व्हेन दिलवाले दुल्हनिया वाज रिलीज्ड, मैं बता दूं हर जवान लड़की की माँ ये चाहती थी कि मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए, शाहरुख जैसा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शो किसी ना किसी तरह से शाहरुख साहब तक पहुंचे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज भी अच्छा प्यार, सच्चा प्यार, प्यारा प्यार वो है, जिंदा है। हम व्यूअर्स से बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर शाहरुख खान को टैग, शाहरुख खान को आप टैग कीजिए जाकर के, क्योंकि क्योंकि मैंने ये देखा कि हम सब लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि हमारे को ऑनेस्टी मिले, हम चाहते हैं कि हमको सिंसेरिटी मिले, अच्छी दोस्ती मिलना चाहिए, सच्चा प्यार मिलना चाहिए हमको, हमको बहुत 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 ईमानदारी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम वो देने के लिए तैयार हैं? हर रिलेशनशिप में हर इंसान ये चाहता है, आज की डेट में भी अगर कोई अफेयर चल रहा है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप में मैरिड है या कुछ भी है, हम हमेशा सिंसेरिटी चाहते हैं। क्या कभी कोई ऐसा टाइम आएगा जब हम कहेंगे कि नहीं यार हमें सिंसेरिटी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता यार मेरा जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो सिंसियर हो, वो ज़्यादा धोखेबाज हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर के शाहरुख खान साहब को टैग कीजिए। ये किताब जो तमन्ना है, ये किताब एक ऐसी किताब है जो बहुत सच्चाई से आई,
जो बहुत ईमानदारी से आई है, बहुत ऑनेस्टी से आई है, और ये प्यार के बारे में बताती है। मैं सच बता रहा हूँ, आप ये किताब पढ़ेंगे तमन्ना ट्रू स्टोरी ऑफ फॉरबिडन लव, तो आपको पता लग जाएगा कि प्यार एक चीज होती है, प्यार एक इमोशन होता है, प्यार एक ऐसे सूरज की तरह होता है जो हमेशा चमकता रहता है, प्यार एक ऐसे दिल की तरह होता है जो हमेशा धड़कता रहता है, प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, प्यार कभी बासी नहीं होता, प्यार कभी पुराना नहीं होता, प्यार हमेशा ताजा रहता है। और जो बासी हो जाए, बेकार हो जाए, पुराना हो जाए, तो वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं, वो कुछ और है, वो कोई इमोशन, वो कोई अट्रैक्शन हो सकती है, कोई इन्फैचुएशन हो सकता है, लेकिन प्यार कुछ और है। और इस तरह के इमोशन को शाहरुख खान, जिसको मैंने देखा 90s से, उसने इस तरह के इमोशन को हमेशा आगे दर्शाया, दिखाया, जताया, लोगों को बताया, हमको हंसाया, हमको रुलाया, और हमको प्यार भी करना सिखा दिया, हमको एक्सप्रेसिव बना दिया। एंड ट्रस्ट मी हिमांशु, इफ यू रिमेंबर, 90s के लड़के जब शाहरुख की मूवी देख करके आते थे, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते थे, और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते थे, यार जैसे शाहरुख हंस रहा है, जैसे चल रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, तो वही हम सब लोग करने लग जाते थे। तो वही ईमानदारी शाहरुख खान साहब ने रखी। तो बस मुझे ऐसा लगा कि 2020 आया, एक बहुत बुरा दौर आया, सिनेमा के लिए भी बहुत बुरा दौर आया। किस तरह का था, मतलब अच्छी अच्छी मूवीज चली गई, नॉट दैट कि हम ये नहीं चाहते थे कि वो मूवीज ना चले, लेकिन होता है ना कि हम बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, बॉइलिंग पॉइंट, फिर एक दिन आया कि नहीं। तो आप ये देखो, शाहरुख खान साहब हमेशा बोलते हैं, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत गुड लक है, और थैंक्स भी करते हैं बहुत कि बहुत गुड लक है मेरे पास, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, तो ये गुड लक मेरे पास आया, शायद ये वाला गुड लक किसी को नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये गुड लक शाहरुख खान साहब के पास ही आया। ये मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि जब एक लीन पीरियड आया हिंदी सिनेमा का, वो सिनेमा का लीन पीरियड नहीं था, सोसाइटी का लीन पीरियड था। किस तरह से सोसाइटी डर रही है, घबरा रही है, नेगेटिविटी पूरी सोसाइटी में फूंकी जा रही है बुरी तरह से, किस तरह से क्या हो रहा है, उसमें ये गुड लक, ये अच्छा कर्म तो शाहरुख खान को ही मिला कि वो जो लीन फेज है वो पठान से खत्म हो गया, लोग आने शुरू हो गए, लोगों ने देखना शुरू कर दिया सिनेमा, लोगों ने एक एक्टर को देखना शुरू कर दिया। एक एक्टर है, वो एक हिंदुस्तानी, वो कोई भी हो सकता है, वो भारतीय भी हो सकता है, वो अमेरिकन भी हो सकता है। और जिस देश में हम पले हैं, जिस देश में जो संस्कार हमको मिले हैं हमेशा से, हमने हमेशा एक इंसान को देखा, isn't it? भारतीय फौज के अंदर, भारतीय फौज में जब एक वर्दीधारी खड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, सैनिक है, सोल्जर, इसे सोल्जर, सोल्जर कुछ भी हो सकता है, कर्नल होगा, ब्रिगेडियर होगा, लेफ्टिनेंट होगा, कुछ भी, इसे सोल्जर, isn't it? भारतीय सेना का वो है। उसी तरह से शाहरुख है, अक्षय है, आमिर खान है, दुनिया भर के और एक्टर्स है, अमिताभ बच्चन साहब है, पता नहीं कौन कौन है, लिस्ट इतनी लंबी कि हम तो काउंट करते रह जाएंगे, काजोल है, हेमा मालिनी है, जूही चावला है, पता नहीं ये कौन है एग्जैक्ट, ये सारे के सारे एक्टर्स हैं। हम इनको देख के खुश होते हैं, ये हमको मतलब नाच नचाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा पीरियड आया तो उसमें देखिए गुड लक किसको मिला, शाहरुख खान को ही मिला। यानी कि कहीं ना कहीं तो ईश्वर का एक हाथ रहा होगा उनके सर के ऊपर कि यहां से सारा लीन पीरियड खत्म हो। गुड लक सबके पास होगा, सबके पास आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लीड कोई इंसान ले लेता है उसके अंदर, तो शाहरुख खान ने लीड लिया। आप दिल्ली से हैं जी, शाहरुख खान दिल्ली से हैं जी, आप भी अपनी मदर को बहुत एडमायर करते हैं जी, वो अपनी मदर को बहुत एडमायर जी जी, तो हाउ मच यू रिलेट योरसेल्फ टू शाहरुख खान? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लड़का है, ये मेरा दोस्त हो सकता था, अपनी मम्मी को देखो कितना प्यार करता है, पापा को भी इतना प्यार करता है, जब भी कभी कोई बात होती है तो हमेशा थैंक्स करता है, प्यारा लड़का है, स्वीट लड़का है यार, संस्कारी लड़का है, बहुत ही ग्राउंडेड है यार, बहुत ही ग्राउंडेड है। तो मैं रिलेट करता हूँ हर चीज़ में, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बहुत प्यार किया, फादर बहुत पहले चले गए, मेरे फादर साइंटिस्ट थे, 1985 में डेथ हो गई उनकी, मम्मी जूलॉजिस्ट थी, और मम्मी से बहुत प्यार किया, बहुत 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 प्यार किया मम्मी से। तो अगर कोई ऐसा मुझे दिखेगा, जैसे मेरी कंपेनियन, शी ऑल्सो लव्स हर मॉम वेरी मच, उनके भी डैड बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, एंड इंसिडेंटली शाहरुख खान ही इज़ प्रोडक्ट ऑफ हंसराज कॉलेज, and my companion, she is also a product of Hansraj College. Shahrukh passed out in 1986, he must have passed out from Hansraj College, and my companion, she also passed out from Hansraj College way later in 1996. So bahut sari cheeze hain jinse hum relate karte hain. और दिल्ली का लड़का देखो, कहीं का भी लड़का हो, अगर वो लड़का हमारे को हमारी मट्टी की खुशबू दे रहा है किसी भी तरीके से दे रहा है, वो कपड़े हमारी तरह पहन रहा है, बात हमारी तरह कर रहा है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनसे हम रिलेट नहीं कर पाते। अभी भी ऐसी मूवीज रिलीज हो रही है, मूवीज के अंदर ऐसे स्कूल्स दिखाए जाते हैं जो कभी जिंदगी में ऐसे स्कूल्स नहीं देखे यार, ऐसे कॉलेजेस दिखाए जाते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं। वो तो शाहरुख खान की मूवी में भी दिखाया, शाहरुख खान की मूवी में भी दिखाया था, वो कॉलेज दिखाया था, कुछ कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर शाहरुख का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर ग्राउंडेड था, वो कैरेक्टर बहुत प्यारा था,
उस कैरेक्टर ने वही बात करी जो एक आम आदमी कर रहा है. ऑफ कोर्स यस, वो एक डायरेक्टर की मूवी कर रहा है और उनकी अपनी एज एन एक्टर उनकी अपनी लिमिटेशन है, उनको एक फ्रेम में जाना है. लेकिन अदरवाइज स्पीकिंग तो शाहरुख हम हर तरह से उनके साथ रिलेट करते हैं, जैसे भी हो उनकी मेहनत से रिलेट करते हैं. मेहनती आगे बढ़ते चलो. या प्लीज यू वर सेइंग समथिंग. आई वाज सेइंग कि शाहरुख खान को कहते हैं किंग ऑफ रोमांस. जी बट ऑब्वियसली कोई भी एक्टर अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता है. तो आपको ये नहीं लगता कि यार बहुत बड़ा हाथ जो रोमांस का, जो 90s के रोमांस की हम बात कर रहे हैं जी, इसमें शाहरुख खान का हाथ तो है पर उसके पीछे उस स्क्रिप्ट का, उन राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है उस रोमांस को क्रिएट करने में. जी अगर शाहरुख खान करवा चौथ पे भूखे रह रहे थे तो किसी स्क्रिप्ट राइटर का काम. यस बिल्कुल. व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? बिल्कुल. देखिए जैसे जैसे अब आप भी एक ऑथर हैं, मैं भी एक ऑथर हूँ, मैंने किताब लिखी, मैं सोचता हूँ कि ये शाहरुख खान साहब इसको बहुत अच्छा करेंगे. मैंने पूरे दिल से लिखा, अर्जुन के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी से निकाल करके लिखा. जो एक्टर होता है ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है. एक्टर जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ये काम है, इस काम को सजाया कर दीजिए. मैंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है. लेकिन जब एक एक्टर आता है तो एक्टर उसके अंदर एक आत्मा डाल देता है ला करके. एक्टर का ये काम होता है. एक्टर का ये भी काम होता है कि जिस तरह से राइटर ने लिखा है वो एक्टर उसे उसी तरह समझे. जरूरी नहीं है कि मैंने एक कैरेक्टर अपनी जिंदगी से बनाया अर्जुन और इसको एक एक्स, कोई एक एक्स एक्टर कर रहा है, वो हो सकता है जस्टिफाई ना कर पाए, हो सकता है कि वो इसकी अंतरात्मा में घुस ही ना पाए, समझ ना पाए इस चीज को. तो हाँ ऑफ कोर्स यस, स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी थी 90s में. लेकिन शाहरुख साहब की जो फ्लूडिटी है ना, उनकी जो क्या बोलेंगे, लाइक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, फ्लूडिटी, जो उनका एक इलास्टिसिटी है कि वो मोल्ड हो जाते हैं, पानी की तरह है बिल्कुल, तो वो उसी तरह से उन्होंने वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स रहे होंगे उनको इम्बाइब किया अपने अंदर. एंड मुझे ऐसा लगता है, हम तो खैर देखिए व्यूअर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस मैन इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू. ये अचानक से अपनी रियल लाइफ से निकाल के कुछ कर देते हैं. उसके लिए क्या होता है, देखिए जब हम कभी ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास हरकतें होती हैं, जो कि देश भर के मिडिल क्लास लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करें, उसके लिए मुझे भी मिडिल क्लास होना ज़रूरी है, मुझे भी उस तरह का होना ज़रूरी है, वो संस्कार मेरे अंदर होने ज़रूरी है. तो वो तभी हम एकदम से इम्प्रॉम्प्टू हो जाते हैं करने के लिए. तो शाहरुख साहब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट्स आई होंगी उसके अंदर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार स्क्रिप्ट्स रही होंगी. लेकिन उसको जिस तरह से शाहरुख साहब ने निभाया, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जंजीर पिक्चर के बारे में हमने सुना है कि जो ये प्रकाश मेहरा साहब हैं, ये इन्होंने पहले कई सारे एक्टर्स को दिखाई, देवानंद साहब को दिखाई, धर्मेंद्र जी को दिखाई, बहुतों को दिखाई. मुझे नहीं लगता कि जंजीर में अगर मैं देवानंद साहब को देखूंगा तो वो क्या मूवी बनेगी. अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी, लेकिन वो नहीं बनेगी जो अमिताभ बच्चन उस समय का लड़का, 30-31 साल का एक गुस्सैल लड़का, एक परेशान लड़का जो सोसाइटी से भी परेशान है, जो अपनी जिंदगी से भी परेशान है, अपनी जिंदगी में भी उसे दुख उठाया है. तो आई डोंट थिंक देवानंद वुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट, नॉट इवन धर्मेंद्र जी, बिकॉज एक हर एक इंसान की एक अपनी आत्मा होती है. जो शोले पिक्चर है उसमें वीरू का कैरेक्टर जय नहीं कर सकता कभी, और जय का कैरेक्टर वीरू नहीं कर सकता. तो ये दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग आत्माएं हैं. तो that's what शाहरुख must have done always. तो अगर हम रोमांस की बात करें जी, from शाहरुख खान to रणवीर सिंह जी, क्या चेंजेस देखते हो आप? शाहरुख खान to रणवीर सिंह चेंजेस तो ऐसा हो गया है कि मूवीज के अंदर ऐसा लगता है कि हीरो जो है ना बहुत अमीर हो गया है उसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले आ गए हैं और गाड़ियां आ गई. अदरवाइज तो देखिए जो इंप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है प्यार का, एग्जैक्टली वही है. एक्सप्रेशन प्यार का क्या होता है? इंटेंसिटी, चाहत होती है. वो तो वही है, वो कहाँ बदला है? ऑफ कोर्स यस, लेकिन अब जो है पिछले कई सालों के अंदर शो ऑफ बहुत ज़्यादा शो ऑफ आ गया. अभी रणवीर सिंह की अभी एक मूवी आई थी, आई डोंट रिमेंबर दैट, विद रॉकी रानी. देखो मतलब मूवी में मुझे ऐसा लगा कि प्यार तो है लेकिन पैसा बहुत है. पैसा ही पैसा दिख रहा है हर जगह, इतने बड़े बड़े घर हैं. अरे यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम देख रहे हैं हमारे मतलब जितने बड़े घर नहीं होते तुम पता नहीं क्या कर रहे हो. इसलिए शायद OTT आज की डेट पे ज्यादा जो लाइमलाइट ले रहा है, बिकॉज इट इज स्टिल, वहाँ बहुत सारे शोज ऐसे हैं exactly. ग्राउंडेड. अभी मैं एक वो देख रहा था मूवी 12th फेल, विक्रम मैसी इज हैविंग दैट पर्सोना, दैट करिश्मा ऑफ शाहरुख खान. एग्जैक्टली, ही इज लाइक जो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ग्राउंडेड जो लड़का है ना, वो विक्रम मैसी में दिखता है. राइट, विक्रांत मैसी. तो मैंने वो देखा कि OTT में कुछ शोज ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, राइट, जो आपको ना टच करते हैं, अच्छा ये मैं हो सकता हूं. यस, लाइक पंचायत. राइट, जब आप सीरियल को देखो तो लगता है कि यार मैंने गाँव देखा है. एग्जैक्टली, मैंने इस गाँव में ऐसे लोग देखे हैं. वो जो लड़का है द मेन के लीड ऑफ दैट, हिज नेम इज अभिषेक, अभिषेक, उसको देख कैसे लगता है?
यही देखा होगा पीछे गली में, हाँ, सामने शर्मा जी का लड़का ऐसा ही है, लाइक दैट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ना, exactly. जब तक कि वो आप लोगों से टच नहीं रखोगे ना, मूवी नहीं चलेगी. मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में ऐसा हो गया. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. एंड दैट इज व्हाट द स्पिरिट इज. बिकॉज जो ओटीटी भी आया है, ओटीटी ने बहुत स्पिरिट्स को रिवाइव किया है हमारी दोबारा से. हालांकि ओटीटी पे दूसरा भी कंटेंट, बहुत वायलेंट कंटेंट भी आ रहा है ओटीटी पे, बट अदरवाइज क्या होता है, देखिए हमें एज व्यूअर्स जो होते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमें एक एंटरटेनमेंट मिले, हमें खुशी भी मिले उसके अंदर, हम उसके अंदर कुछ मोटिवेशन भी देख पाए. अब जो 12th फेल आई है उसमें मोटिवेशन भी है, खुशी भी है उसके अंदर. अगर हर एक इंसान जो निकला होगा वहां से, वो सोच के निकला होगा कि यार अच्छा लगा, बढ़िया लगा. मुझे हमेशा लगता है ओटीटी का, ओटीटी के जो ऑडियंस है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, जो बिल्कुल यंग ऑडियंस है वो ओटीटी देखती है, पर दे मेजरली सी ऑन द कोरियन साइट्स, जो कोरियन शोज हैं, right, या फॉरेन शोज हैं, दे आर मोर इनटू दैट. जो इंडियन कंटेंट है ना, दैट इज मोर व्यूड बाय 80s 90s के पीपल, जो आज 50s 60s 70s में जी, 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 जो घर में रहते हैं और मूवी हॉल जाना नहीं चाहते कि यार बुढ़ापा आ गया, मूवी हॉल नहीं जाना. दे एंजॉय मोर ऑन ओटीटी एंड दे एंजॉय सच टाइप ऑफ थिंग्स. तो मेरे ख्याल में जहाँ पे वो जो पंचायत टाइप का कंटेंट आता है ना, जो उनको टच करता है, उनको अपनी मेमोरीज दिखाता है 80s की, उस टाइम आई थिंक दे आर मोर कनेक्टेड टू दैट. शायद हो सकता है. और अगर ऐसा कंटेंट और ज्यादा आएगा तो देखिए, यूथ जो है, यंगस्टर्स जो है, लाइक माय डॉटर, शी इज इन हर 20s नाउ, और मैंने बहुत यंगस्टर्स को भी देखा कि वो भी चाहते हैं कि क्वालिटी कंटेंट उनको मिले, बहुत अच्छा कंटेंट उनको मिले, प्यारा कंटेंट उनको मिले. उनको भी मैंने देखा है बोलते भी किया कि वाहियात मूवी है. ओटीटी पे कई सारे ऐसे शोज आए हैं जो उनको लगा कि बिल्कुल बेकार है, या क्या है, मतलब एक शो ऐसा आया उसके अंदर क्या दिखा रहे हैं, यू आर मतलब टॉकिंग, मतलब ठीक है हर चीज की एक अपनी अहमियत होती है, लेकिन देन आई हर्ड यंगस्टर्स सेइंग दिस थिंग. चार चीजें थी उसके अंदर, एक पर्टिकुलर का शो था, यू टॉकिंग अबाउट सेक्स एब्यूज, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल अफेयर्स, देन अगेन सेक्स, देन अब्यूज. पूरी सीरीज बॉस इस पे नहीं चल सकती. वो एक चीज है, वो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन टू शो की सोसाइटी हैज चेंज्ड, आप ये सारी चीजें नहीं दिखा सकते. आप कौन सा ऐसा यंगस्टर है जो आपको एब्यूज ही करता हुआ दिख रहा है? कौन सा ऐसा यंगस्टर है जो आपको सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात? सेक्सुअल रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ कोर्स अब्यूज हम भी करेंगे, हर कोई करेगा, लेकिन दैट इज नॉट द कोर पार्ट ऑफ दिस थिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कंटेंट और ज्यादा आएगा, अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आएगा जो ओटीटी पे आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो व्यूअरशिप में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, उनके टेस्ट जो है वो वापस, क्योंकि हु डजंट वॉन्ट सैनिटी. हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे अच्छा कंटेंट मिले, सैनिटी मिले. यार मालगुडी डेज देख के मजा आता है. एग्जैक्टली, मालगुडी डेज 80s में आता था, 1986 के आसपास आता था. मैं कई बार देखता हूं, शायद Amazon Prime पे है शायद. राइट, मैं भी देखता हूं उसको कई बार. राइट, मुझे बड़ा मजा आता है देखने. राइट राइट. सो बैक टू दिस थिंग, शाहरुख खान साहब जो है वो, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी करेंगे और सब करेंगे, कि जैसे अभी बात हुई कि 80s के हम लोग देते हैं, शाहरुख हैज दिस पावर टू इग्नाइट एंड रिवाइव द माइंड्स ऑफ People. वो ये उनको गुड लक हासिल हुआ. ऑफकोर्स ये बहुत सारे और एक्टर्स हैं जो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा है, तभी तो देखिए ना कि एकदम रिवाइव हुआ, बहुत कुछ रिवाइव हुआ. बहुत लोग गए रिवेंज में देखने के लिए, बहुत सारी चीजें, पहले भी मूवीज आई, ऐसा नहीं कि पहले नहीं चले, लेकिन द काइंड ऑफ द हरिकेन दैट दिस पठान कॉज्ड सडनली, उसके बाद एकदम चीजें चेंज होनी शुरू हो गई. तो आई विश कि जिस तरह से शाहरुख खान साहब का दोबारा रिवाइवल हुआ इंडिया में, हर इंसान का जो है वो करियर रिवाइव हो, हर इंसान जो है वो वापस खड़ा हो जाए. कोविड के बाद बहुत सारे लोग गिरे, हम भी गिरे, बहुत लोगों को उसका इफेक्ट पहुंचा, तो सब लोग जो है वो खड़े हो जाए. मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आम आदमी की बात करना शुरू कर दे, आम आदमी की तकलीफों की बात करना शुरू कर दे, जैसे शाहरुख खान साहब की मूवी में आया भी था, पठान के अंदर भी जिक्र था इसका, जवान में भी जिक्र था इस चीज़ का, आम आदमी की तकलीफों का, तो हम खड़े हो जाए और खुश हो जाए लाइफ में, बहुत प्यार करें एक दूसरे से, अच्छा कंटेंट देखें, प्यारी प्यारी बातें करें. और अगर कोई हमारे देश को परेशान कर रहा है, कोई लोग हैं जो परेशान करें, तो हम उनको साइड करें, उनको ऐसी जगह दबा दें कि वो कभी हमें परेशान ना करें. तो शाहरुख खान मतलब बहुत देर तक बात कर सकते हैं. जी जी जी. बिफोर क्लोजिंग द शो, जी जी, शाहरुख खान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो पूरे दिल से बताना चाहता हूँ कि एक लड़का आया 1989 में और उसका शो आया फौजी, और तब मैं 16 साल का था, और शाहरुख वो आप थे, वो तुम थे शाहरुख, इस तरह से बात करें,
तुम पे हक है, तुम्हारे साथ जिए हैं, हर साल तुम्हारे साथ जिए हैं, हर साल तुम्हारे को देखा है, तो तुमसे एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया कि बस। और मैं क्या करोड़ों करोड़ों कभी करोड़ों लोग होंगे हिंदुस्तान में, जाने कितने सारे ऐसे फैन क्लब्स होंगे लाखों की तादाद में जो आपके लिए काम करते होंगे, जो आपको मतलब पसंद करते होंगे, तो मैं उनमें से एक हूँ, बहुत छोटा सा नाम, मेरा तेजेश्वर सिंह एक ऑथर हूँ, दिल्ली का लड़का हूँ, और ये चाहता हूँ कि आप बने रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें हमेशा, और काम करते रहें, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा काम करते रहें, और लोगों को अभी आपका ऐसे बोलते हैं ना कि द बेस्ट इज येट टू कम, सो आपका बेस्ट तो अभी आना बाकी है, वो दिखाइए, और आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे, तो 90s के हम हैं, 90s के आप हैं, आप हमेशा जवान रहेंगे क्योंकि हम जवान रहेंगे, और अभी हमें बच्चों को जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनको बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बताना है कि हमें बहुत दम है, और बस। और मेरी एक किताब है तमन्ना, अ ट्रू स्टोरी ऑफ फॉरबिडन लव, तमन्ना, एक सीधी सादी प्यारी सी सच्ची कहानी, और अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमोशंस के, सच्चाई के दो आंसू आपकी आंखों से जरूर निकलेंगे, और आप देखेंगे अगर आपने ये चीज़ हमेशा प्रोपोगेट करी तो प्लीज़ इसको पढ़ के देखिए, ये मैसेज आप तक पहुंच जाए किसी तरीके से, मेरे जैसा इंसान कैसे पहुंचेगा। तो बस ये ईश्वर से मेरी दुआ है, इल्तिजा है कि आप तक ये पहुंचे, और क्या पता ये किताब जो है उसको एक सच्चा मुकाम मिल जाए, लोगों को पता लग जाए कि प्यार नाम की कोई चीज़ होती है, जिस तरह से बहुत अच्छे किताबें मार्केट में आती हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ मार्केट में आती हैं, उसी तरह से एक किताब भी एक संदेश है कि प्यार, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा, और बस दैट्स इट। सो आप बने रहें और हम सब बने रहें, और हिंदुस्तान भारत खूब तरक्की करे, यहाँ पे खूब 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 प्यार हो, हार्मनी हो, और हम आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच शाहरुख साहब, और जो भी इसके व्यूवर्स हैं शाहरुख खान साहब को टैग कीजिएगा प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, और शाहरुख खान के बारे में इतनी बात करने के लिए। होप कि शाहरुख खान इस वीडियो को देख पाए और उस पर कुछ रिप्लाई करें, तो आई विश कि ऐसा हो सके। मैं अपने व्यूअर्स से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शाहरुख खान को टैग करिए, ताकि एक जो दिल से जो मैसेज है ना शाहरुख खान के लिए, ये पहुंच सके उन तक। और जितने भी शाहरुख खान के फैन हैं, डू शेयर दिस, ताकि ज़्यादा लोग, वो एक जो 90s के लोगों के अंदर शाहरुख खान की फीलिंग है ना, वो फीलिंग सबके सामने आ सके। तो थैंक यू वेरी मच, बट बिफोर वी क्लोज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। अब शाहरुख खान के इतने बड़े फैन है जी, शाहरुख खान का स्टेप तो बनता है जनरलिया बुक डांस जिसके जो उन्होंने पूरी जनरेशन को ट्रेन कर दिया। हां, तो जनरलिया बुक डांस करते हैं, पर आदम शाहरुख खान का स्टेप। ओह यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो शाहरुख खान का शो क्लोज करने के लिए शाहरुख खान का स्टेप। ओह यस, शाहरुख खान की बातें करते करते पसीने पसीने हो गए। और कुछ बात करेंगे। थैंक यू।